नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड में। जैसा कि हमारे वीडियोस में आपका बहुत सारा प्यार मिला था और आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे हमारी पिछली वीडियोस में, तो दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जिनके रिक्वेस्ट आई थी कि उनकी भी जो सरनेम है उस पर वीडियोज़ बनाए जाए, तो हमारे पास बहुत सारे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे वो आए थे नेगी के बारे में। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले नेगी के बारे में बना लें। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में बताने जा रहे हैं नेगी का अर्थ क्या है, ये कहाँ से आया, इनका क्या इतिहास था। तो ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। नेगी का अर्थ है रॉयल या सही राजपूत, यानी कि हम कह सकते हैं परफेक्ट राजपूत। ये उत्तर भारत के शाही परिवारों से थे, मतलब ये एक राज परिवारों से थे प्राचीन समय में। और उस टाइम पे जो नेगी जो टाइटल था वो राजाओं द्वारा रईसों और वीरों को दिया जाता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि नेगी राजाओं तथा रईसों और वीरों को दिए गए शीर्षक को संदर्भित करता है। आप समझ सकते हैं कि शीर्षक क्या होता है, टाइटल जिसे हम कहते हैं। राजाओं के समय में नेगी शीर्षक सेना और प्रशासन में सेवा करने वाले लोगों को दिया जाता था। तो उस टाइम पे जो राजा के साथ उनके प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में और उनकी सेना में जो प्रवीण लोग होते थे, एकदम उच्च कोटि के लोग होते थे, उनको नेगी एक शीर्षक दिया जाता था। तो धीरे धीरे रूपांतरित होकर लोगों ने उसे कास्ट में लगाना शुरू कर दिया था। तो ज़्यादातर नेगी भारतीय सेना में इस समय सेवा कर रहे हैं और पूरी तरह देश को समर्पित हैं। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों और हिमाचल के ज़िले जैसे किन्नौर, कुमाऊं साइड, गढ़वाल, इन क्षेत्रों में भी आपको नेगी राजपूत मिल जाएंगे। उसके अलावा राजस्थान के अलवर क्षेत्र, गुरदासपुर, पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में नेगी आपको मिल जाएंगे। तो माना जाता है कि नेगी राजपूत जो थे वो मध्य भारत के दौरान भारतीय मैदानी इलाकों को चले गए थे। वो अभी भी उत्पत्ति के अपने क्षेत्रों का नाम बरकरार रखते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे गढ़वाल के उदयपुर पट्टी लोगों का निवास जो वहाँ पे था, तो उन लोगों द्वारा निवास किए गए गाँव का एक समूह है जो राजस्थान के उदयपुर से स्थानांतरित हो गए थे। इस तरह अजमेर के लिए भी अजमेर पट्टी बन गई। तो लोग इस तरह से धीरे धीरे कहीं कहीं स्थानांतरित हो गए थे, माइग्रेटेड हो गए थे। नेगी गढ़वाल के ऊँचे इलाकों में रहते थे और नेगी भी गढ़वाल, किन्नौर, कुमाऊँ, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, हिमाचल के क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे और अभी भी अपने उपनाम का प्रयोग करते हैं। तो नेगी शीर्षक के कुछ उल्लेखनीय लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे दरबान सिंह नेगी जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था, गबर सिंह नेगी इन्हें भी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था, मीर रंजन नेगी जो हॉकी के हमारे खिलाड़ी हैं आप सब कुछ सब जानते ही हैं आप लोग, नरेंद्र सिंह नेगी लोक गायक, इनका नाम तो हर कोई जानता है, इनके गीत हर कोई सुनता है, परिमा रंजन नेगी शतरंज के ग्रैंड मास्टर प्लेयर हैं हमारे, और नेगी कास्ट की माइग्रेशन कौन कौन सी जगह पे हो गई थी, कब कब हो गई थी, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। जो पुंडीर नेगी थे वो दिल्ली सहारनपुर में माइग्रेटेड हो गए थे 1645 के आसपास, और खुंती या मुंशी नेगी म्यान, नागकोटी, कंगड़ा, ये थे 1056 में, बहुत पहले ये लोग माइग्रेटेड हो गए थे। और सिपाही नेगी ये हो गए थे नागकोट कंगड़ा में, 1600 में माइग्रेट हो गए थे। और खड़कोला नेगी ये हो गए थे कंटूरा कुमाऊं की तरफ 1112 में। और सहारनपुर से संगोली नेगी जो थे वो जाट राजपूत संगीनधारी के रूप में 1712 के रूप में 12 के टाइम पे ये माइग्रेटेड हो गए थे। 1700 से पहले सौंद नेगी, राणा, सैंडकोटी, ये सभी ठाकुर में सबसे खतरनाक नेगी हुआ करते थे, ये भी 1700 में माइग्रेट हो गए थे। सिंह नेगी या बेदी ये पंजाब में थे 1645 में के आसपास माइग्रेट हो गए थे। और पद्धर नेगी या परिहार जिन्हें बोलते हैं वो दिल्ली में आ गए थे 1800 के आसपास। और लोवन नेगी चौहान ये भी दिल्ली लोहपा परगना क्षेत्र में बस गए थे 978 में। और गंगवाड़ी नेगी मथुरा साइड चले गए थे 1419 में। चौपदिया नेगी हस्तिनापुर की तरफ 1383 में। सल्दी नेगी पौड़ी गढ़वाल और मुगल नेगी 1728 में। तो इस तरीके से कुछ जानकारी हमने जुटाई दोस्तों, तो हो सकता है आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताइए ताकि हम स्टडी कर सकें उस पर और आप तक वो जानकारी पहुंचा सकें। तो दोस्तों आपको जानकारी अगर पसंद आई तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।